हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज एक कंप्लीट एक नया वीडियो को लेकर मैं आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ NOS बोर्ड के बारे में, जहाँ के बच्चे क्लास 12 10 की एग्ज़ाम जो होने वाली थी मई अप्रैल के महीने में, वो लगातार जो है गाइस वो पोस्टपोन होती जा रही है। और आज एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से एक बार पोस्टपोन कर दी गई। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्या ऐसे ही पोस्टपोन होती रहेंगी? काफ़ी सारे बोर्ड को देखा आपने, ICSE CBSE बोर्ड जो जैसे बोर्ड हैं और बाकी सारे स्टेट बोर्ड भी अपने स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल करवा चुकी हैं और अब रिज़ल्ट भी आउट होने वाले हैं। तो क्यों आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसी की रिलेटेड मैं आज पूरा कम्प्लीट में बात करने वाला हूँ, ठीक है? और चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा। NOS के स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ओपन स्कूलिंग, ठीक है, कैंसिलेशन द एग्ज़ामिनेशन वेयर पोस्टपोन बाय NOS की तरफ से फिर से एक बार जो है एग्ज़ाम्स को उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। और आगे यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, द पब्लिक इंटरेस्ट लिगेशन हैज़ बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट तो एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑल पोस्टपोन एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन एनरोल इन द NOS। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जितनी भी सारी आपके जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल नहीं किए यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल नहीं किए हैं यहाँ पर, आपकी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ NOS में एक स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स हैं उनकी फ़दर जो है वो फ्रेंड्स FIR करवाए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में कि आपके जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन ना करें और एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दी जाएँ। ये पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पर, उस पर वही लिखा गया है, जितनी भी सारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं अप्रैल के महीने में और उसको जो एक तरीक़े से जो पोस्टपोन करवाई जा रही है, तो उसको अब इस सिचुएशन में हालात नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे बोर्ड को हमने देखा, ICSE CBSE बोर्ड जैसे बोर्ड को उन अपने स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया और 70-80-20% की जो ऐसे कुछ अपनी अनुसार से वो पास कर रहे हैं या इंटरनल मार्क्स देकर, तो ऐसे NOS स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आप सबको ये वॉइस जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं उनके पास, तभी ये सब पॉसिबल है गाइस। क्योंकि आप अगर आवाज़ उठाएंगे और हमारे साथ आपके साथ हम भी हैं, आप एक छोटा सा क्लिप बनाइए, क्लिप बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा भेज दीजिए, फिर मैं आपको आपके साथ वो क्लिप बनाकर हम मिलकर एक साथ आपके साथ आवाज़ उठाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं 26 तारीख को, ठीक है, जो CBSE सेंट्रल बोर्ड की ऑर्डर आई थी कि सारी ही 10th 12th की एग्ज़ाम है जो कैंसिल रद्द करवा दीजिए, और फिर 15 जुलाई को उनकी रिजल्ट्स भी आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, NOS में ऐसा क्यों? NOS में तो उतना सारा स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-6 लाख के स्टूडेंट्स होते हैं आपके NOS में, और जो कौंसिल्स हैं आपके लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है गाइस, ठीक है, कि आप अगर चाहते हैं आपकी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो तो आप सबको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। और हम सब छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं आपके साथ हैं, तो आप चलिए हम और आप मिलकर ये अभियान को बनाते हैं और आपकी जो लड़ाई है कि आपकी एग्ज़ाम भी कैंसिल करवाई जाए करना है, वो भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप NOS के स्टूडेंट से एक छोटा सा क्लिप बनाइए कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, वो मैं आप अपने चैनल में मैं अपने अपलोड करूँगा, और फिर हम सब इस वीडियो को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर MHRD मिनिस्टर को हम ट्वीट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे और आप भी अब थक चुके हैं कि एग्ज़ाम जो अब तो रेडी कर रहे हैं फिर से पोस्टपोन हो जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप चाह रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए, तो फ्रेंड्स हम सब मिल के लड़ना होगा और